विभाग हुआ सतर्क। बताता चले कि उधम सिंह नगर जनपद यूपी से लगी सीमांत तहसील खटीमा की सुरई वन रेंज में विगत दिनों मानव वन्य जीव संघर्ष की हुई घटनाओं में हुई मौतों के कारण वन विभाग हुआ सतर्क। वन अधिकारियों ने जंगल के किनारे बसी बस्तियों के ग्रामीणों को अकेले बिना कारण के जंगल जाने नहीं की एडवाइस की जारी। वहीं जंगल से सटे आबादी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की मदद से ग्रामीणों को किया जा रहा है जागरूक। आपको बता दें कि खटीमा में वन अधिकारियों द्वारा मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए जारी की गई एडवाइजरी को सख्ती से लागू करने के लिए वन अधिकारियों ने वन क्षेत्र से सटे गांवों के जनप्रतिनिधियों को इस मुहिम में शामिल किया है। चांदा, बनगमा, जमौर, भलैया, हल्दी, सरपुरा और बकुलिया गांव के ग्राम प्रधानों द्वारा घर घर जाकर ग्रामीणों को सुबह 8 बजे से पहले और शाम 5 बजे के बाद जंगल न जाने और गांव के आसपास जंगली जानवर दिखने पर तत्काल वन अधिकारियों को सूचित करने के लिए समझाया जा रहा है, ताकि मानव और वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को बढ़ने से रोका जा सके। वहीं सुरई वन रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी सुखदेव सिंह मुनि ने बताया कि सुरई वन रेंज में विगत सालों में गुलदार और बाघ सहित विभिन्न जंगली जानवरों की संख्या काफी बढ़ चुकी है, जिस कारण मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। विगत कुछ दिन पूर्व भी जंगल लकड़ी लेने गए एक युवक पर बाघ द्वारा हमला कर उसे मार डाला गया था। मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा जंगल के किनारे बसे आबादी क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों की मदद से ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीणों को समझाया जा रहा है कि वह अकेले बिना आवश्यक कार्य के जंगल ना जाएं। आवश्यक पड़ने पर जंगल ग्रुप में सुबह 8 बजे के बाद और शाम 5 बजे से पहले जाएं और जंगली जानवर गाँव के आसपास दिखें तो तत्काल वन विभाग को सूचित करें, ताकि मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को रोका जा सके। लड़का था 32 साल का, लकड़ी बीनने गया था वो, और टाइगर ने पकड़ लिया उसको और तुरंत ही मौत हो गई। और वन विभाग की तरफ से हमें सूचना दी गई है कि हर जितने भी जंगल किनारे घर बसे हुए हैं और सभी ग्राम प्रधानों को उन्होंने बोला है कि घर घर जाके उनको सूचित करें कि सुबह 8 बजे लेके और शाम 5 बजे से तक जो भी जंगल जाए तो तुरंत लौट आओ। आपके द्वारा हमला हुआ था, घटना हुई थी सूरी के जंगल में, उसमें मेरे द्वारा तुरंत जो है कि ग्रामवासियों को अलर्ट करने के लिए अलाउंस कराया गया, स्टाफ के द्वारा अलाउंस कराया गया, और साथ ही जो है कि ग्राम प्रधानों को, प्रत्येक ग्राम प्रधानों को जो जंगल के समीप लगे हुए क्षेत्र हैं उनको सभी को जो है कि मेरे द्वारा पत्र जारी किया गया है कि आप लोग भी अपने गांव में मीटिंग करके गांव से जो जंगल को जाते हैं उनको जो है कि रोकने के लिए सुबह 8 बजे के बाद जो है कि आवाजाही करें और 5 बजे के बाद शाम को उनको बंद कर दें, किसी को जाने न दें जंगल के।